हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग सीआरपीसी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और सीआरपीसी के क्रम में ये हमारी चौथी वीडियो है, जिसमें आज हम समस्त परिभाषाओं को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि परिभाषा जो थी वो धारा दो में थी, पर उस धारा के अंतर्गत बहुत सारी धाराएं थी, जिनमें से तीन चार तो आपके एग्ज़ाम में लास्ट टाइम आई भी थी और आज भी एक धारा ऐसी है जो लास्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो इन परिभाषाओं को आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है और आने वाली 6 से 7 वीडियो में आपका सीआरपीसी समाप्त कर दिया जाएगा। ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सारी धाराएं आपको नहीं पढ़नी है। जिस तरह मैंने आईपीसी पढ़ाई है उस तरह से नहीं पढ़नी है, मुख्य मुख्य धाराएं पढ़ के आपका काम चल जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली हम एक्ट पे चले जाएंगे। तो चलिए शुरू, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ये 5 ही धारा हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे अगली वीडियो में हम आगे का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और आज अभी 1-2 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपने आप को गर्मी से बचा के रखिए, अच्छा अच्छा खाते रहिए, तरल पदार्थ लेते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो हम लोगों ने अब आज पढ़ना है हमको सेक्शन 2R, सेक्शन 2R जिसको दो द बोलेंगे। तो देखो, मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि सर इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी का आप यूज़ कीजिए, तो मैं टर्मिनोलॉजी को उसमें लिख रहा हूँ इंग्लिश में, और यहाँ पे साथ साथ ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे परिभाषाओं संबंधी, उसमें धाराएँ ऐसे ही दी गई थी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में थी। तो सेक्शन 2R बोलता है, सेक्शन 2R बताता है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। अब डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में है, तो बोलना पड़ेगा 2R या 2D में है। पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, पुलिस रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे FIR से नहीं है, FIR अलग चीज़ है। मैंने आपको 2D में बताया था, 2G में बताया था कंप्लेन यानी परिवाद के बारे में। परिवाद एक्चुअली में क्या है, जो कोई व्यक्ति होता है वो जब डायरेक्टली शिकायत करता है मजिस्ट्रेट से और बताता है कि ये व्यक्ति चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराधी है, तो ये कहलाती है कंप्लेन। और वहीं पे लिखा था कि कंप्लेन पुलिस रिपोर्ट नहीं है, पुलिस रिपोर्ट नहीं है। अब पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे पता लग रहा है 2R एक्चुअली में होती क्या है। पुलिस रिपोर्ट है पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट साहब को दी जाने वाली रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट साहब को दी जाने वाली रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कोई भी अपराध हुआ, उस अपराध से संबंधित जो भी अन्वेषण हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, या कोई उस अपराध से, उस केस से संबंधित कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो पूरा का पूरा सब चीज़ एक जगह ऐड करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। तो एक प्रतिवेदन दिया जाता है और ऐसा प्रतिवेदन जो पुलिस अधिकारी द्वारा मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धारा लास्ट टाइम आई थी। अब इसमें क्या आया था वो आपको बताता हूँ। देखो, जो सेक्शन 2U है या 2P बोलेंगे, तो इसमें आता है लोक अभियोजक, इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपने वर्ड बहुत सुना होगा, आप मूवीज़ देखते होंगे, आप सीरियल्स देखते होंगे, कोई आप वेब सीरीज़ देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जिक्र आता रहता है, यूट्यूब वीडियोज़ में आता रहता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हिंदी बोलते हैं लोक अभियोजक। और जो लोक अभियोजक है, इसका जिक्र CRPC की धारा 2U में भी है और CRPC की धारा 24 में भी है। लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो सेक्शन 24 वो लोक अभियोजक का जिक्र CRPC की कौन सी धारा में है, तो आपको बताना होगा कि CRPC की धारा 24 में लोक अभियोजक का जिक्र है। और क्या पता ये ना देखे ये वाला पूछ ले, तो यहाँ भी सही है लोक अभियोजक। देखो, आपको पता होगा जो महान्यायवादी होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महाधिवक्ता होता है, वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। उसके साथ साथ में महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल, उसके बाद एडवोकेट जनरल होता है, वो राज्य सरकार के वकील होते हैं। उसी तरह से जो सेशन कोर्ट होता है उसमें ये बैठते हैं, सत्र न्यायालय में बैठते हैं लोक अभियोजक, और लोक अभियोजक को सरकारी वकील माना जाता है, यानी सरकार की तरफ से कोई भी मुद्दा आएगा उसको ये उठाएगा, इसको सरकारी वकील बोला जाता है। अब देखो, संविधान में निशुल्क विधिक सहायता, अब जो लोग गरीब हैं
जिनको समान न्याय की बात आती है, समान न्याय मैंने सब आप उधर समझाया है, आप संविधान की वीडियोस देखिए, तो समान न्याय की बात आती है, मतलब कि सभी को समान न्याय मिले, कोई भी अपने आर्थिक कमी के कारण किसी को न्याय ना मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि कोई वकील करके देना। अब एक्चुअली में जो गरीब आदमी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है उसमें इनका भी बहुत मेजर रोल होता है, ये सरकारी वकील होते हैं, जो APO होता है ना, है ना, APO होता है, एक होता है BPL, आपने पढ़ा होगा APL पढ़ा होगा, अबव पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके केसेस जो लड़ते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, और उनके केसेस लड़ता कौन है, उनके केसेस भी ये लोक अभियोजक ही लड़ता है। निःशुल्क विधिक सहायता इन्हीं के द्वारा दी जाती है, साथ में ये सरकारी वकील भी होते हैं। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखेंगे सेक्शन 24 में जब हम जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 2U में लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जिक्र है। उसके बाद सेक्शन 2W या 2B ये बात करता है समन मामला। देखो मैंने आपको बताया था कि जो CRPC की दूसरी अनुसूची है उसमें प्रारूप हैं, मतलब प्रारूप आपको पता होगा क्या चीज़ है ना, पूरा एकदम खाका किस तरह से बनना है, समन और वारंट। देखो समन क्या चीज़ होती है, जब समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, जब कोर्ट सिंपल बात करते हैं, हालांकि मजिस्ट्रेट जो न्याय कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं DM SDM होते हैं वो भी बुला सकते हैं, DM ADM है ना, इस तरह से होते हैं तो, और SDM होते हैं, ये लोग बुला सकते हैं, पर हम यहाँ सीधे कोर्ट की बात करेंगे। अगर कोर्ट को क्या करता है, कोर्ट पहले क्या करता है, अगर कोई अपराध होता है और छोटा मोटा अपराध होता है तो पहले क्या करता है, कोर्ट समन भेजता है। तो फिर क्या होगा कि पुलिस वाले देने जाएंगे समन के, भाई तेरा बुलावा आया है कोर्ट से और फलानी तारीख में चले जाना। तो अब इसमें यहाँ पर क्या केस है, पुलिस वाले समन देने जाते हैं पर वो समन को एक्सेप्ट ही नहीं करता और फाड़ देता है, ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर से कोर्ट से समन आएगा दूसरा, और सर ऐसे ऐसे फाड़ दिया, तो वो बोलेंगे कि इसके घर पे चस्पा करके आओ, चिपका के आओ, आपने चस्पा वर्ड सुना होगा, इसके घर पे पेस्ट करके आओ। तो उसके घर पे पेस्ट करके आते हैं और मतलब बोल के आते हैं, भाई देख आ जाना, नहीं तो अब वारंट आएगा। अब वो दूसरी बार भी क्या करता है कि समन उस बुलावे को नकार देता है, उसके बाद कोर्ट जारी करता है वारंट, वो फिर कोई सा भी मामला हो। तो समन का मतलब है सीधे सीधे बुलाना, समन में तो डायरेक्टली क्या होता है, कहा जाता है कि आ जाओ, पर वारंट में पुलिस उठा के ले जाती है उसको, जबरन उठा के ले जाती है, चलो भाई कोर्ट ने अब तुम्हें बुलाया है, अब तुमको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। तो समन मामला यानी कि समन केस कौन से होते हैं, ये बात बताया गया है आपसे, डायरेक्टली पूछेगा समन मामलों का जिक्र किस में है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 2W में या 2B में समन मामलों का जिक्र है। अब वहाँ पे क्या परिभाषा लिखी हुई है, वहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है कि वारंट मामले, जो वारंट मामले नहीं हैं वो समन मामले हैं, यानी कि चार रोटी हैं, चार रोटी में से दो रोटी वारंट मामले हैं, तो दो रोटी क्या बच गए, समन मामले बच गए, बात क्लियर हुई होगी ना आपको। तो इसमें कह दिया कि वारंट मामलों को गिनने के बाद जितने भी मामले बच जाते हैं वो समन मामले बच जाते हैं। तो ये कोई एकदम क्लियर सी परिभाषा नहीं हुई, हालांकि जो एडवोकेट होते हैं लॉयर होते हैं वो उनको ये बहुत अच्छे समझ में आता है, पर आपको भी समझ में आने लगेगा। बट इसको और अच्छे से समझना हो तो समन मामले ऐसे अपराधों से संबंधित होते हैं, या ऐसे अपराधों में समन मामला बनता है, समन भेजा जाता है, जिन मामलों में ऐसे अपराध, समन मामला किस अपराध, ऐसे अपराधों संबंधित है जिनमें जो दंड है वो 2 वर्ष से कम हो, यानी कि ऐसे अपराध जिनमें दंड 2 वर्ष से कम है, यानी कि कोई अपराध हुआ और उस अपराध का दंड 2 वर्ष से कम है, तो ये जो मामला बनेगा ना, जो ये केस बनेगा, इस केस को क्या कहा जाएगा, इस केस को समन मामला कहा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया होगा, ऐसे अपराधों से संबंधित मामले जिनमें दंड 2 वर्ष से कम है, यानी 2 वर्ष से कम का मतलब 2 साल से कम की जेल है, तो ऐसे मामले समन मामले कहलाएंगे, समन केसेस कहलाएंगे। अब उसके बाद पीड़ित को समझने से पहले वारंट मामलों को समझ लेते हैं। सेक्शन 2X यानी 2B बात करता है वारंट मामलों के बारे में, ये एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, ये एग्जाम में आया था और ये लोक अभियोजक सेक्शन 24 ये भी पूछा गया था, ठीक है। सेक्शन 2X भ वारंट मामला, समन मामले समझ लिए कि ऐसे अपराधों से संबंधित मामले जिनमें दंड 2 वर्ष से कम है उसको समन मामला कहते हैं। बट वारंट मामला ऐसे अपराधों से संबंधित मामले जिनमें दंड क्या हो, या तो मृत्युदंड हो, ऐसा अपराध
जिसे करने पर मृत्युदंड दिया जाना है, मतलब आईपीसी में लिखा हुआ है कि मृत्युदंड होगा, या ऐसा अपराध जिसका दंड आजीवन कारावास हो, या ऐसा अपराध जिसमें 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो। 2 वर्ष से ऐसे अपराध करेगा जिनमें 2 वर्ष से कम का दंड है तो मामला बनेगा कौन सा, समन मामला बनेगा। बट अगर ऐसे अपराध करेगा जिसमें 2 वर्ष से अधिक की जेल हो जा रही है, 2 वर्ष से ज्यादा आजीवन कारावास हो जा रहा है, जीवन कारावास बोल रहा हूँ मैं, 2 वर्ष से अधिक की जेल हो जा रही है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कई बार मति भ्रम हो जाता है, आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। 2 वर्ष से अधिक की जेल हो, ऐसे अपराध हो कि ऐसे अपराध जिनमें दंड 2 वर्ष से अधिक हो, या आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड हो, तो उसको वारंट मामला कहते हैं। उसमें डायरेक्टली देखो ये सीधे उसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास वाले मामले तो कौन से हैं, मृत्युदंड और आजीवन कारावास वाले मामले संज्ञेय अपराधों में आते हैं, कॉग्निजिबल में आते हैं। अब संज्ञेय अपराध कौन सी धारा में बताया गया है कमेंट करके आपको मेरे को बताना है ज़रूर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा वारंट मामला क्या चीज़ है। तो हमने देख लिया पुलिस रिपोर्ट, लोक अभियोजक, समन मामला, वारंट मामला। अब सेक्शन 2WA बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 ब का क भाग, इसमें बात की जा रही है पीड़ित के बारे में। पीड़ित को इंग्लिश में बोलते हैं विक्टिम। अब कौन व्यक्ति पीड़ित कहलाएगा, किसको कहा जाएगा पीड़ित है ये, तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नुकसान हो गया हो या कोई क्षति हो गई हो, यानी कि कोई संपत्ति नष्ट हो गई हो, या उसका शरीर में कोई मतलब अंग भंग हो गया हो, चोट लग गई हो, या उसके किसी परिजन को मार दिया हो, तो ये सब नुकसान क्षति में आता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका नुकसान या क्षति हो गई हो, किसके द्वारा, अभियुक्त के कार्य द्वारा। अभियुक्त किसको बोलते हैं, एक्यूज्ड को, जिसपे अभियोजन चलना है, जिसपे मामला चलना है, जिसकी दोष सिद्धि और दोष मुक्ति के बारे में बात होनी है, यानी कि सीधे सीधे आरोपी। आरोपी, आरोपी के लिए अभियुक्त शब्द प्रयोग हो रहा है कि पीड़ित वह व्यक्ति है जिसका कोई नुकसान या क्षति हो गई हो कार्य द्वारा, किसी कार्य द्वारा। जब किसी व्यक्ति की नुकसान या क्षति हो जाती है और किसके कार्य द्वारा, अभियुक्त या एक्यूज्ड के कार्य के द्वारा, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, पीड़ित कहलाता है, या वह व्यक्ति विक्टिम कहलाता है, पीड़ित या विक्टिम कहलाता है। तो विक्टिम कौन है, पीड़ित कौन है, जिसका कोई नुकसान या क्षति हो गई है किसके द्वारा, अभियुक्त द्वारा किए गए कार्यों से, उसको पीड़ित या विक्टिम कहते हैं। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ इसमें समझ लिया है, अब हम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ करना होता है और भी सब काम रहते हैं। आप लोग समझिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बताई हैं, प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर स्क्रॉल डाउन करो, उसमें तुम्हारे लिए खजाना है, उस चीज़ को छोड़ मत देना जो आपको UPSI बना के छोड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।